हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। और ये देखिए, बहुत पर्ल वाली ड्रेस मेरे कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी लग रही है। तो चलिए इस सुंदर सी ड्रेस को हम बनाना शुरू करते हैं। ये लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने चोली बना ली है और चोली को मैंने पहले बना के दिखाया हुआ है अपनी अलग वीडियोज में, तो आप वहां जाके चोली की मेकिंग देख सकते हैं कि चोली कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास जो ये चैन है, ये 17 चैन है। अब जो ये लास्ट जो हमारी चैन है, इसको यहाँ पे हम स्लिप चैन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से इसको यहाँ पे हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद अब इसी धागे से हमने यहाँ पे ये लेयर को कम्प्लीट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब जहां से हमने इसको कनेक्ट किया था, उससे नेक्स्ट चैन में, इस चैन में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, इससे नेक्स्ट जो चैन है इसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे। डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे 2 बार लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इससे जो नेक्स्ट है इसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे। और इससे जो नेक्स्ट है 2 बार, 1 बार सिंगल हमने डबल क्रोशिया लिया, और जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से 1 बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया लेना है, सॉरी 2 बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया लेना है और 2 बार हमने डबल डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हम इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 रो को कंप्लीट किया जिसमें हमने 1 बार डबल क्रोशिया 2 बार लिया एक चैन में से, और सिंगल क्रोशिया लिया है हमने, सिंगल डबल क्रोशिया लिया है 1-1 बार। इस तरह से चैन को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे अब हम धागा चेंज करेंगे। और इस तरह से धागे को कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे व्हाइट धागे की। अब इसके बाद जो हम जहां से हमने इस चैन को स्टार्ट किया है उससे नेक्स्ट चैन में इसको हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, और इससे नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे हम। ये देखिए, हमने एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया लिया, इससे नेक्स्ट में 1 बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी कान्हा जी की ड्रेस की जो फ्रिल बनेगी वो इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट रो में अगर आप इसको मल्टी कलर की बनाना चाहते हैं, इस तरह की ड्रेस को, सिंपल ड्रेस है एकदम से, और जो स्टार्ट करते हैं पहले क्रोशिया चलाना, उनके लिए बहुत ईजी रहेगी। इस ड्रेस को बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो और इसको मल्टी कलर की बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और कलर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो हमारा ये फिनिश हो गया है, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद जो यहाँ पे हमने चैन बनाना शुरू किया, इससे जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। अब की बार हमने 2 बार डबल क्रोशिया हर चैन में नहीं लेना है, 2 बार डबल क्रोशिया 2 बार लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब जो नेक्स्ट चैन है इसमें मैं यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लूंगी। अब इससे जो नेक्स्ट है, ये जो चैन है हमारी, इसमें मैं 1 बार डबल क्रोशिया लूंगी। इसमें डबल क्रोशिया 1 बार लेना है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैन है इसमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। इसके बाद फिर से जो नेक्स्ट चैन है इसमें हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट चैन में हम 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे। अब नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया लेना है।
और वैसे भी आप ये ड्रेस को जब आप खोल के देखेंगे तो अगर लगे कि इसमें झोल आ रहा है या आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा डबल क्रोशिया ले रहे हैं, झोल टाइप का लग रहा है, अगर ड्रेस की फिटिंग अच्छी नहीं दिख रही है तो डबल क्रोशिया को आप सिंगल भी कर सकते हैं कहीं कहीं पे। यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, अब इसको यहाँ पे स्लिप चेन के साथ इसको हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे दो रो जो दो लाइनें हैं ये हमने व्हाइट के लिए, अब इसके बाद एक जो हम लेंगे, अब यहाँ पे हम धागा चेंज करेंगे जो पिंक धागा है हमारा, और इससे हम नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे। हम तीन चेन बनाएंगे इसकी, एक दो और तीन, व्हाइट धागे को थोड़ा खींच देंगे इस तरह से। अब जहां से हमने इस चेन को स्टार्ट किया यहीं पे हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, नेक्स्ट चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, इससे नेक्स्ट में हम दो बार डबल क्रोशिया लेंगे, इससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में लेनी है ये, और इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जहां पे हमें लगे कि हमें दो बार डबल क्रोशिया लेना है तो आप इजीली इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्रेस एकदम बहुत ज्यादा सिंपल है। इस तरह लास्ट रो को हमने कंप्लीट किया, अब ये जो लास्ट हमारा चेन है इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, और जो हमने जहां से इसको स्टार्ट किया है ये वाली चेन से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम अब इसको सिंगल चेन के साथ, इसको स्लिप चेन के साथ इसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। इस तरह से आप जितनी भी बड़ी कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहती हैं तो उस फ्रिल को आप उस अकॉर्डिंग बढ़ा लें, और अगर मल्टी कलर की बनाना चाहती हैं तो वो भी बहुत सुंदर दिखाई देगी, दो कलर की बजाय तीन चार पांच जैसे भी आप कलर यूज करना चाहती हैं कर सकती हैं, और इसी तरह से आप फ्रिल को बढ़ाते हुए चले जाइए कि जहां पे आपको लगे कि आपको फ्रिल में दो बार डबल क्रोशिया लेना है या फिर एक बार लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। बस फ्रिल में ये ध्यान रखें कि झोल ना पड़ने पाए, या तो ज्यादा खिंचाव महसूस ना हो या फिर ज्यादा लटका लटका सा महसूस ना हो। अब यहाँ पे हम धागा चेंज करेंगे, हमने व्हाइट धागे की दो लेयर लेनी है, और हमने जो पिंक जो हमारे पास धागा है हमने पिंक की एक लेयर ली है। तीन चैन बनाई, तीन चैन बनाने के बाद जहां से हमने इसको स्टार्ट किया, हमने इस चैन से स्टार्ट किया था, तो इससे जो नेक्स्ट चैन है यहाँ पे हमने इसको ये सिंगल क्रोशिया नहीं लेना है, इसमें डबल क्रोशिया लेना है, एक डबल क्रोशिया लिया, फिर इससे नेक्स्ट में हमने दो बार डबल क्रोशिया लेना है। बहुत ही सिंपल वे से बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि फ्रिल हमारी सही आ रही है, कहीं पे हम दो चैन ले रहे हैं, दो एक साथ हमने यहाँ पे चैन बना रहे हैं, कहीं पे हमने सिंगल डबल क्रोशिया ले रखा है, तो इसी तरह से हम पूरी चैन को कम्प्लीट करेंगे। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे तीन चैन हो गई मेरी, एक दो और तीन, अब इसके बाद जो ये चैन जो ले रही हूँ मैं, इसमें एक में ही मैंने दो बार डबल क्रोशिया लिया है, इससे नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया लूंगी, इससे नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में मैं दो बार डबल क्रोशिया लूंगी, इसने एक व्हाइट की दो लेयर कंप्लीट कर ली है, एक हमने यहाँ पे पिंक का लिया है, तो एक एक लाइन हम इसमें पिंक की लेंगे अभी लास्ट में जो है, और इसके बाद हम दूसरा व्हाइट धागा लगाएंगे। अब पहले हम एक व्हाइट की लाइन कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन चैन जहां से हमने स्टार्ट किए उससे नेक्स्ट चैन में हम इसको एक बार डबल क्रोशिया लेंगे इसको। अब जहां से हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया है वहीं पे एक और डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चैन में लेंगे हम सिंगल डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया लेना है इसमें हमने, इससे नेक्स्ट में हमने एक बार डबल क्रोशिया लेना है, और इससे नेक्स्ट में हमने दो बार डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह सेम पैटर्न से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, ये रो कंप्लीट कर लिए पिंक कलर की। अब इसके बाद हमने व्हाइट धागे को चेंज कर लिया और इसमें हमने तीन
चैन बना दिए हैं। तीन चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे मोती यूज कर रहे हैं। मोती हम ऐसे लेंगे जो हमारे क्रोशिया के अंदर एंटर हो जाए, और उसको इस तरह से हम यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे सिंगल धागे के साथ अटैच करना है इस तरह से। फिर से हमने एक धागा इसको ऐसे एंटर करना है, और फिर जहां से हमने इसको शुरू किया था, चैन बनाई है बिल्कुल वहां पे ही हम इसको इस तरह से सिंगल धागे के साथ इसको हम अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ इसको कनेक्ट किया। इसके बाद हम एक चैन बनाई, दो चैन और तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद जो यहाँ हमने जिस यहाँ इसको कनेक्ट किया था, इससे एक चैन हमने स्किप करनी है, और इससे जो नेक्स्ट चैन है इस पर हम यहाँ पे इस तरह से इसको सिंगल चैन के साथ, सिंगल धागे के साथ इसको यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन। तीन चैन बनाने के बाद फिर से पर्ल लेंगे, और इसको हमने एक चैन यहाँ से हमने स्किप करनी है, जैसे जिस चैन में हमने इस धागे को एंटर किया है, ये जो धागा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इसको हम स्किप करेंगे जो नेक्स्ट चैन है इसकी, और इस वाली चैन में इसको हम इस तरह से सिंगल धागे के साथ इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। फिर से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको सिंगल धागे के साथ इसको हमने अटैच करना है। फिर से हमने तीन चैन बनानी है, एक दो और तीन। तीन चैन बनाने के बाद अब जिस चैन में हमने इसको मोती को अटैच किया है, उससे अगली चैन को हमने स्किप करना है, और इससे अगली चैन में हम इसको सिंगल चैन के साथ इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशेट के साथ इस तरह से, ये देखिए। अब नेक्स्ट हमने फिर से तीन चैन बनानी है, एक दो और तीन। तीन चैन बनाने के बाद फिर से एक मोती लेना है। अब यहाँ पे जहां पे हमने ये धागा एंटर किया है व्हाइट, इसके बाद यहाँ पे एक चैन स्किप करेंगे, एक चैन ये स्किप की, और इससे जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम मोती को इस तरह से सिंगल चैन के साथ, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे, और फिर से सिंगल चैन के साथ इसको हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। इसी तरह से हमने सारी रो को कंप्लीट करना है। एक चैन यहां से स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन पे हम इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे, और इसको सिंगल स्लिप चैन के साथ इसको यहाँ पे अटैच किया। फिर यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन, और तीन चैन को हमने इधर यहाँ पे एक और दो स्किप करना है, और नेक्स्ट हमारी ये रो आ रही है, तो अब यहाँ पे हम इसको स्किप चैन के साथ इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस तरह से, और जो हमारी ये नेक्स्ट चैन है यहाँ इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, ये देखिए स्किप चैन के साथ इसको हमने यहाँ पे जोड़ना है इसको इस तरह से। यहाँ से जोड़ने के बाद इसको हम यहाँ पे धागे को स्किप चैन के साथ इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इस तरह से हमारे ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बनके रेडी है। आप इसको दो नंबर, तीन नंबर या एक नंबर के कान्हा जी को इजीली पहना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा।